हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक एजुकेशन। अब हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का चैप्टर 15, दैट इज एयर अराउंड अस। सो स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 9 दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर, बट यू हैव एवर सीन एयर। हमें पता है कि हम सारे लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग बींग्स जितने भी, इन्हें एयर की नीड होती है। क्या हमने कभी एयर को देखा है? नो। ओके, सो श्योरली वी हैव नॉट सीन एयर, बट Surely you must have felt its presence. हम एयर को देख नहीं सकते, बट हम उसे फील कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है, एक सिंपल, ये पेपर का बना हुआ है सिंपल फील फोल्ड। ये हम लोग बचपन में बनाया हुआ है सबने। आपने देखा होगा जब भी हम इसे एयर में लेके जाते हैं तो ये रोटेट करने लगता है। ओके, ये अनदर एक कॉक है, वेदर क्लॉक कॉक, ये भी रोटेट करती है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जब भी हम जब भी हम देखते हैं कोई ओपन बॉटल हम डिप करते हैं, सीधे डिप करते हैं एकदम स्ट्रेट, तो वो कोई भी बबल फॉर्मेशन नहीं करता है। जब हम थोड़ा टिल्ट करके उसको डिप करते हैं तो उसमें से बबल फॉर्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पे एयर की प्रेजेंस हो जाती है। ओके, दिस एक्टिविटी, इसका मतलब कि एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर, हमारी अर्थ भी एक एयर की लेयर से सराउंडेड है। द लेयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर। इस एयर की लेयर को हम एटमोसफियर बोलते हैं। जो माउंटेनर्स होते हैं वो ऑक्सीजन, माउंटेनियर्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन के अमाउंट कम होते जाते हैं, इसीलिए वो ऑक्सीजन के सिलेंडर को अपने साथ कैरी करते हैं। अब हम देखेंगे एयर किन किन चीज़ों की मिलके बनी हुई है। फर्स्ट है वाटर वेपर। ठीक है, हमें पता है वाटर वेपर प्रेजेंट होता है क्योंकि जैसे जैसे एयर की सरफेस हम ऊपर की तरफ जाते हैं, सरफेस कूल होती है, वहाँ पे वाटर वेपर जो होते हैं वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉप्स के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमने वाटर साइकिल में अभी पहले पढ़ा था। नेक्स्ट ऑक्सीजन, हमें पता है ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव, एक एक्टिविटी है यहाँ पे। ओके, इसमें क्या करना है, दो हम लोग बकेट टाइप लेते हैं जिनमें कैंडल हमने ब्लो करके रखी हुई है। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर फिक्स टू स्मॉल कैंडल द सेम साइज इन द मिडल ऑफ टू शैलो कंटेनर। तो कंटेनर में हमने कैंडल फिक्स की हुई है लाइट अप करके। नाउ फिल द कंटेनर्स, इस कंटेनर में अब हमने थोड़ा सा वाटर डाल दिया है, कैंडल्स को बर्न करा है हमने। ओके, कवर ईच ऑफ देम विद इनवर्टेड ग्लास, दो ग्लास से हमने इसको कवर करा है। एक सेकेंड ग्लास जो है उसकी हाइट फर्स्ट ग्लास से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डू द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न, क्या कैंडल्स अभी भी बर्न करते हैं या फिर वाटर का लेवल जो है वो सेम ही रहता है? हम क्या देखेंगे, द बर्निंग ऑफ कैंडल मस्ट बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम कॉम्पोनेंट ऑफ एयर। कैंडल क्यों बर्न करती है, क्योंकि कुछ कॉम्पोनेंट का एयर प्रेजेंट है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, यस, बर्निंग कैन ऑकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैंडल तभी बर्न करेगी जब उन्हें ऑक्सीजन मिलेगा, बर्निंग सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। ओके, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर इज ऑक्सीजन। ओके, नाउ द अमाउंट ऑफ एयर एनहेंस द इट्स ऑक्सीजन कंपोनेंट इनसाइड ईच ग्लास इज आवर एक्सपेरिमेंट इज लिमिटेड। ओके, हमारे एक्सपेरिमेंट में जो ऑक्सीजन का कंटेंट था वो लिमिटेड था, बट हमारे एयर में ऑक्सीजन लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, द प्रेजेंस ऑफ सम कॉम्पोनेंट्स इन द एयर में कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, और मेजर पार्ट ये है कि जो नाइट्रोजन है वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है। ओके, इट टेक्स अप नियरली फोर्थ फिफ्थ ऑफ द स्पेस दैट फिल्स एयर। एयर का 4 से 5% स्पेस नाइट्रोजन कवर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इन अ क्लोज रूम, इफ देयर इज सम मटेरियल दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट सफोकेशन। एक बंद कमरे में अगर कोई चीज़ जल रही होती है तो आपको सफोकेशन फील होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होती है। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी एयर का थोड़ा सा पार्ट कवर करता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो भी बर्न होता है वो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। डस्ट एंड स्मोक, द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक। जब भी कोई फ्यूल बर्न होती है तो हमने देखा है स्मोक भी प्रोड्यूस होती है।
ठीक है, चिमनीज या फैक्ट्रीज में देखा है आपको स्मोक उसमें दिखाई देता है। सो हमारे एयर में क्या क्या प्रेजेंट था? वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट एंड स्मोक। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, ये बंद कमरा है। बंद कमरे में अगर कोई होल होता है, वहाँ से हम देखेंगे छोटी सी लाइट आ रही है, तो फिर हम क्या देखेंगे, ये जो लाइट यहाँ आपसे पड़ रही है, इसमें हमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, टिनी ड्रॉपलेट्स दिख जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। कभी जब आप ग्रूमिंग करते हैं या झाड़ू लगाते हैं घर में, तो आपने देखा होगा लाइट के प्रेजेंस में अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत सारे डस्ट पार्टिकल दिख जाते हैं। वी इनहेल एयर वेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नॉस्ट्रल। जब हम सांस लेते हैं तो हम एयर इनहेल करते हैं। ठीक है, हमारे नोज में कुछ फाइन हेयर प्रेजेंट है और म्यूकस प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को प्रिवेंट करते हैं अंदर जाने से। ओके, यहाँ पे देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ एयर दिखाया गया है। नाइट्रोजन लार्ज अमाउंट में है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। टेक अ लंप ऑफ ड्राई सॉयल इन अ बीकर और अ ग्लास। आपको कुछ ड्राई सॉयल लेनी है एक बीकर या एक ग्लास में, उसमें कुछ वाटर ऐड करना है और फिर देखना आपको क्या होता है। आप नोट करेंगे कि उसमें कुछ बबल फॉर्मेशन होता है। ये बबल फॉर्मेशन क्यों होता है? क्योंकि सॉयल में कुछ अमाउंट में एयर प्रेजेंट होती है। ओके, व्हेन वाटर इज पोर्ड, जब उस लंप पे आप वाटर और डालेंगे तो क्या होगा, वो एयर को डिस्प्लेस कर देगा। मीन्स एयर डिस्प्लेस होगी तो एयर बबल के फॉर्मेशन में हमें दिखने लगती है। ओके, यहाँ पे दिखाया गया है इस तरह से सॉइल। दीज बरोज ऑल्सो मेक स्पेसेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सॉइल। जो होल्स फॉर्म हो जाते हैं सॉइल में, वो क्या करते हैं, एयर को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जो छोटे छोटे होल्स फॉर्म हो जाते हैं। हाउएवर व्हेन इट रेन्स हैवली, जब बहुत ही तेज बारिश होती है, तो वाटर्स क्या करते हैं, इन स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ओके, इन दिस सिचुएशन एनिमल्स लिविंग इन द सॉयल कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। ऐसे टाइम में जो एनिमल्स जो सॉयल के अंदर रहते हैं, वो बाहर निकल के आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। हाउ इज़ द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर रिप्लेस, हमारे एटमोसफेयर में ऑक्सीजन कैसे रिप्लेस हो रहा है टाइम टू टाइम? यहाँ पे देखिए, इट इज़ ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स। हमें पता है एनिमल्स बिना प्लांट के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली प्लांट्स भी बिना एनिमल्स के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इनका एक पर्टिकुलर साइकिल होता है जो चलता रहता है। हम ये देखते हैं कि हमारे एटमोसफेयर में दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को बनाने के लिए। ओके, द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। यहाँ एक विंड मिल दिखाई गई, विंड की हेल्प से विंड मिल रोटेट होती है। दिस विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स टू रन फ्लोर मिल्स। इस विंड मिल्स की हेल्प से वाटर को ट्यूबवेल से निकाला जाता है। विंड मिल्स ऑल्सो हेल्प करती है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। ओके, सो एयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल इन आवर लाइफ। एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। तो होप आप सभी को चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।